गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, तपाईँ सबैजनालाई मेरो च्यानलमा स्वागत छ। आज चाहिँ म आफ्नै भाषा बोल्नु पर्यो भनेर सोचेको, अनि म बिहान नै यहाँनिर तुलसीलाई टिप्न आएको चियामा खानुको लागि कि पुरा यस्तो गला खराब भइरहेछ आशिषको पनि, अन्त चाहिँ म तुलसी टिपेर लान्छु भनेर आएको। यो देखो तुलसी, ये है सफेद तुलसी और लाल तुलसी भी है। ये अभी ठंडे में ऐसा ही होता है, बढ़ नहीं पाता। इसको नेपाली में बोलते कचल टिनु, ये जैसा है वैसा ही रहता है, वो बढ़ता नहीं है क्योंकि ठंड में ऐसा होता है। गर्मी में इसके लिए तुलसी के लिए अच्छा है, जितना धूप इसको मिलेगा उतना अच्छा है। तो एक ही पौधा, इसको मैंने इतना केयर कर करके इतना ज़्यादा बना दिया, एक ही एक डंडा था ये। तो इसको मैं कटिंग करती हूँ, ट्रिमिंग करती हूँ। इसको तो मैंने बीज लगाया है, वो लाया था आज, इसका एक पेड़ लाया था, वो उसका बीज मतलब मैंने रखा और वो मर गया। नीचे घर में रखा था, वो कैसे मर गया, पानी धूप ना मिलने की वजह से। और मैं उसको बीज लगाया तो एक जिंदा रहा, और सारे बहुत सारे बीज आए थे, मैंने इधर भी लगाया था पर मेरे बाबू ने तोड़ दिया। आज बहुत ठंडा है, बहुत कोहरा लगा है। मैंने सोचा था नेपाली में बोलूँगी, मुझे पता ही नहीं चला कब नेपाली बोलते बोलते मैं हिंदी में बोल रही हूँ। देखो यहाँ पे आज बहुत वो ठंड है। मैं नीचे वाले छत से दिखा रही हूँ, मैं ऊपर छत नहीं गई, ऊपर से तो और अच्छा दिखेगा, पर मैं यहाँ से दिखा रही हूँ। 8 बज चुका है पर ऐसा लग रहा है बहुत, कल तो 7:30 में कितना धूप आया था, मैंने आप लोगों को दिखाया कपड़े सुखाते हुए। देखो बहुत कोहरा है, कुछ नहीं दिख रहा। यहाँ से मैं आप लोगों को घर दिखाती हूँ, नीचे वाला हमारा मेन घर, ये देखो जहाँ पे 2 स्कूटी रखा है, ये वाला कोई नहीं उठाए। यहाँ पे एक बड़ा सा हमारे पास एक पेड़ के नाम पे एक वो है, बड़ा सा अशोका का पेड़ है, पर बहुत अच्छा लगता है। इसके वजह से गर्मी में हवा आती है, ऑक्सीजन मिलती है और ठंडक रहती है, शांति। यहाँ देखो हमारे बड़े ताऊ ने कितना अच्छा टमाटर लगा रखा है, और ऊपर बैंगन गोभी। हाँ चलो मैं भी जाती हूँ फिर। ये बहुत बड़ा बड़ा था, ये भी तोड़ा है, ऊपर ऊपर से पत्ती पत्ती तोड़ा है। मैंने जगह बचाने के साइड से लहसुन लगा दिया था कोने कोने में, वो भी हो रहा है। देखो ये कस्तूरी मेथी है और मेरा आलू सूख रहा है, थोड़ी देर के बाद इसको निकालना पड़ेगा। यहाँ मैंने बीज लगाया था, दिखाती हूँ। अभी मैंने इसमें ना डल्ले की बीज लगाया था, मिर्ची जो होता है, ये देखो कि कब से इतना है और ठंड की वजह से बढ़ ही नहीं रहा है। टमाटर मिर्ची लहसुन भी ले जाती हूँ, थोड़ा मतलब धनिया ले जाती हूँ। धनिया कल मैं आपको दिखाई के गई थी, इतना बड़ा बड़ा हुआ था। और ये हमारे, मैं बोलती हूँ ना किराएदारों को, टेंट पे जो रहते उन लोगों को तोड़ के खाया करो बोलती हूँ, तो इसलिए उन लोगों ने तोड़ के खा लिया कल। इधर का भी तोड़ा है, देखो ये तोड़ा है, ये तोड़ा है। देखो मैंने तुलसी ला के यहाँ पानी में भिगोया है ताकि इसका मिट्टी सारा निकल जाए, तो मेरा छोले हो गया है बॉयल्ड। एंड मैंने टमाटर मिर्ची काट लिया है, प्याज काट लिया है, रखा है, अचार बेच रहा है। यहाँ पे सारा अचार मिल जाता है। आज मैंने गुन के रखा है मैदा, क्योंकि हम आटा का खाते बहुत ज़्यादा आटा आटा, तो मुझे कल
मैदा का खाने का मन हो रहा था तो मैंने सोचा थोड़ा सा मैदा गूंद लेती हूँ। देखो इसमें अजवाइन और कलौंजी मिला के मैंने गूंद लिया है नमक के साथ। वैसे तो आटा भी है, अगर कोई आटा का खाना चाहे आटा है और मैदा भी है। और मैं यहाँ पे गर्म पानी कर रही हूँ पीने के लिए। तो फ्रेंड्स मैं अभी इस रूम में आ गई हूँ क्योंकि दूसरे रूम में दोनों सो रहे हैं। गर्म पानी, उसके बाद मैं थोड़ा सा यहाँ पे बैठ के दुआ करती हूँ। सुबह मैंने कल इसका खिलौना भी सब ऊपर रख दिया, सारा कपड़ा धो जा, कल मैंने आपको दिखाया था, धोया था, सुखाया था और आके तय भी लगा लिया। बच्चा का ये बच्चा का जैकेट एक तरफ, कपड़े एक तरफ, बाबू का पैंट्स एक तरफ, सॉक्स एक तरफ, फिर ये मेरा साइड में और आशीष का साइड में, सबका अलग अलग करती हूँ। अब मैं यहाँ बैठ के थोड़ा, मैं घर आने के बाद गर्म पानी भी पी रही हूँ, फिर मुझे खाना बनानी है, मतलब सब्जी बनानी है, बाबू का भी बनाना है, इसीलिए अभी मैं थोड़ा करती हूँ दुआ, फिर उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ। ये रूम में मैं करती हूँ क्योंकि यहाँ एकदम शांत होती है, ये वॉश रूम में बाबू सोता है। अभी मैं मुँह धोने के बाद, मैंने बाल भी नहीं बनाया, मैं ऐसी हूँ ऐसी हूँ मीन्स अभी ऐसे ही हूँ। थोड़ा काम वाम हो जाएगा, फिर सब हो जाएगा, फिर तो मैं चेंज करूँगी, अपना करूँगी। अभी मिलते हैं बाद में। एक पूरा वाला आ गया है तो मैं पूरा दे जा रही हूँ। पूरा वाला आ गया, पूरा दे रहा। तो मैं यहाँ कूड़ा से यहाँ से फेंकती हूँ कूड़ा, क्योंकि नीचे बार बार नहीं जा सकते। थोड़ा आगे आना भैया, तार में लग जाएगा। तो फ्रेंड्स मेरा काम हो गया या तो खत्म। तो मैंने अभी कूड़ा भी दे दिया है और साफ सफाई भी कर लिया है। पानी थोड़ा यहाँ से टपकता है इसलिए तो सही से बंद कर दो। उसके बाद मेरा छोले बन गए रेडी, मैं आप लोग को दिखाती हूँ। ये लो, और नज़दीक से दिखाती हूँ भैया। तो मुझे अब बस धनिया डालना है और ये लो उठने बाद खाना बना। अब मेरा हो गया है, मिलती हूँ। ये पूरी बन गई है, अब ये छोले एंड चाय। ये चाय थोड़ा पीला दिख रहा है क्योंकि इसमें आयुर्वेदिक हल्दी से लेके तुलसी तक थोड़ा है, इसीलिए ये है। ये कान में लगा रहा है अपना पूरी।